माँ कसम, अगर जिस दिन गूगल ने परफेक्ट रास्ता दिखाया ना, मैं गूगल को ऐसे 3 टोपों की सलामी दूंगा, क्योंकि सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आई नो बहुत ही टाइम से आपको व्लॉग नहीं मिल रहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में, और एक लाइक बड़ा सा चीज़ था जो मैंने सोच के रखा था, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां थी। लेकिन लाइक आज मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ, और टू ऑल दोज काइंड ऑफ प्रिपरेशंस जो हम करने वाले हैं, प्लस मार्केट में भी जाना है, सिम कार्ड और वो सब चीज़ों का भी अरेंजमेंट करना है, का है, तो वो सब करके फिर हम जो है वो देखेंगे कि कैसा सरप्राइज रहने वाला है। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो ये जो आप देख रहे हो वो है एक बॉक्स, और बॉक्स के अंदर है टायर इन्फ्लेटर। ये जो है ना, कभी भी मतलब जब ये लॉकडाउन का टाइम है, कभी भी बाहर जाते हैं तो क्या है कि लाइक ट्रैवलिंग करते करते ये जो चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये थोड़ा मिनी है और पोर्टेबल है, और कार का जो चार्जर है उससे ही ये चार्ज हो जाता है। तो लेट्स जस्ट अनबॉक्स दिस। ओके, सो बॉक्स खुल गया है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया है ये टायर इन्फ्लेटर। ओके, सो इसकी सबसे अच्छी बात वो है कि ये जो आप देख रहे हो, ये मतलब जो कॉर्ड है वो कॉर्ड को फंसाने के लिए बहुत ही अच्छा सा दिया हुआ है, और इसके अंदर वायर रहता है। ये जो है वो मतलब जो कार का जो चार्जिंग का जो केबल है उसके अंदर ही चला जाता है, और उससे क्या है कि अपने जो गाड़ी और वो जो साइकिल होती है और स्कूटर मोटरसाइकिल कुछ भी होता है उसको हम चार्ज कर सकते हैं। सो ये जो होता है इसको अपने को फंसाता रहता है वो उसके अंदर। आपको जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है वो राडो मस्ती कर रहा है बॉक्स की वजह से, उसकी वजह से आ रही है। बाकी इसको ऐसे लगा दो और इसको कार चार्जर में लगा दो, और नाइट में क्या है कि ये लैंप का भी काम करता है, सो दिस इज़ समथिंग रियली गुड। यहाँ पे जो बटन दिया है वो पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, और ये ब्राइटनेस बढ़ाने कम करने का दिया हुआ है, और बस यहाँ से आप प्रेशर चेक कर सकते हो, और ये सोलिमो करके कंपनी है उसका आता है, दैट्स वेर यू कैन डू। सो इसको अभी हम बाद में करेंगे, लेकिन लेट्स जस्ट गो आउट। सबसे पहले हम जाएंगे सिम खरीदने के लिए, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू डू ई सिम फॉर द फर्स्ट टाइम। सो देखते हैं कैसा रहता है, और ई सिम कहाँ पे मिलता है और किस तरीके से रहता है। सो फर्स्ट आई विल गो टू द स्टोर एंड विल लेट यू नो। थैंक यू। सो मस्त बारिश हो रही है, और बारिश का मस्त मौसम है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, लेकिन जल्दी से हम गाड़ी में बैठ जाएंगे। माँ कसम, अगर जिस दिन गूगल ने परफेक्ट रास्ता दिखाया ना, मैं गूगल को ऐसे सलामी 3 टोपों की सलामी दूंगा, क्योंकि अभी पता नहीं कैसे ऐसे रास्ते पे लेके गया पूरा, मतलब पूरा वो आर्मी का एरिया था, पूरा आर्मी के एरिया में पूरा अंदर तक लेके गया, और फिर बोला कि आप राइट साइड लो, 200 मीटर में आपका वो आएगा। राइट साइड लिया तो वहाँ पे तो केंद्रीय विद्यालय। सो अरे पता नहीं यार, ये इनको कहाँ से क्या लोकेशन गूगल को। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं ई सिम के बारे में। अभी अगर ई सिम के बारे में बात करें तो आप लोगों ने ई सिम यूज़ किया है कि नहीं किया है सबसे पहले तो, क्योंकि मेजरली आईफोन और जो भी एप्पल प्रोडक्ट्स है, या तो जो मतलब गूगल पिक्सल है या ऐसा कुछ है, तो उसके अंदर ई सिम यूज़ होता है। तो मतलब अभी जिसमें ड्यूअल कार्ड अगर यूज़ करना हो तो आपको ई सिम यूज़ करना पड़ता है। तो एयरटेल है और जियो है और वोडाफोन है, मेरे हिसाब से ये तीन है जो ई सिम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो आई डोंट नो पूरा प्रोसेस क्या है, वो तो एक बार स्टोर में जाऊंगा तभी पता चलेगा, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस करने का बहुत ही मन है, और आई जस्ट वांटेड टू चेक कि वो ड्यूअल सिम कार्ड जो है वो सिस्टम कैसे काम करता है।
क्योंकि मेरे क्या है कि इंटरनेट के अंदर अगर मेरे को बैकअप मिल जाएगा तो दैट वुड बी अ काइंड ऑफ यू नो परफेक्ट थिंग फॉर मी. सो लेट्स जस्ट गो एंड सी कि क्या मिलता है अपने को. तो अभी हम ये एयरटेल वाले स्टोर पे आ गए हैं एंड लेट्स सी क्या है क्या पूरी क्लैरिटी में आता है आपका नाम आता है पूरा क्लैरिटी के साथ. सो अभी हमने सिम कार्ड ले लिया है और दिस इज द नंबर उल्टा है. ओके सो ये घर जाके इंस्टॉल करेंगे और विल सी हाउ दैट. सो दोस्तों फाइनली ये जो ई सिम है वो आ गया है. नाउ जो ई सिम होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो फिज़िकल कार्ड होता है उसको मोबाइल में इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है. हाँ, आपको इंसर्ट करना पड़ता है जस्ट टू यू नो लाइक मेक अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस करने के बाद आप उसको निकाल दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ये जो है वो कंपेटेबल रहता है ज़्यादातर काइंड ऑफ यू नो आईफोन पिक्सल है, कुछ सैमसंग के फ़ोन है, मोटोरोलर है, तो ये सब अगर आपके पास फ़ोन है तो इसके अंदर वो कंपेटेबल हो जाएगा. और ये जो ई सिम है वो प्रोवाइडर जो है वो वोडाफोन है, अपने पास एयरटेल है, जियो है, वहाँ से आपको ई सिम भी मिल जाएगा. नाउ इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है. मैं आपको एयरटेल का बताऊंगा क्योंकि मैंने एयरटेल का जो ई सिम लिया इट वाज लाइक वेरी इजी फॉर मी. आपको जस्ट एक मैसेज करना है आपका नंबर से, तो आप जैसे ही वो मैसेज करोगे आप 1-to-1 पे आपको मैसेज करना है. आप देख पाओगे यहाँ पे कि अगर आप मतलब आपको लिखना है ई सिम और आपका जो ईमेल एड्रेस है वो लिखना है, और वो लिखने के बाद आपको ये आप देख रहे होगे आपको पूरा का पूरा जो मैसेज है वो आ जाता है, और वो मैसेज आने के बाद आपको कंफर्म कर देता हूँ. उसके बाद क्या है कि आपको एक कॉल आएगा, वो कॉल पे आपको कंफर्म करना है, और वो जैसे ही आप कंफर्म कर सकते हो वैसे तुरंत ही और आधे से एक घंटे में आपका जो सिम है वो एक्टिवेट हो जाएगा. तो अगर आप अभी देख पाओगे तो यहाँ पे मेरे पास एक सिम है आइडिया का और दूसरा जो सिम है वो एयरटेल का दिखा रहा है. सो ये जो चीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसलिए जस्ट मैंने इस पर सोचा कि क्या कि एक वीडियो इस पर देख लेता हूँ. सो एयरटेल का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ. अगर आपको इनकेस आपका इंटरेस्ट है तो आप एयरटेल स्टोर में जा सकते हो, ई सिम ले सकते हो, और ई सिम को एक्टिवेट करके आप क्या है कि एक कंफर्म कर सकते हैं. क्योंकि कभी कभी क्या है कि कहीं पे एयरटेल का नेटवर्क होता है, कहीं पे आइडिया का नेटवर्क होता है, तो उस सब चीज़ों के अंदर क्या है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. एंड दैट्स हाउ द थिंग्स डन. वैसे तो ये जो है वो 1-1.5-2 साल पहले लॉन्च हो गया था, लेकिन अभी क्या है कि मैंने जस्ट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया इस बात को, तो फिर आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू. अगर बात करूँ तो वीडियो कॉल किया मैंने, उसके बाद बहुत सारे कॉल्स किए, बहुत सारे नेट किया यूज़ किया है, कोई भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. ऊपर से ये जो मतलब जो फिज़िकल जो सिम कार्ड है उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरे को नेटवर्क और वो सब मिल रहा है. सो दैट्स हाउ यू नो लाइक थिंग्स डन. सो लेट्स मीट यू ऑन आवर नेक्स्ट राइड. राइड की पूरी सब तैयारियां हो चुकी है. थोड़ा लेट हुआ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई, लेकिन राइड का पूरा प्रिपरेशन रेडी है. वी आर ऑल सेट. मस्त तरीके से थोड़ा आराम करके फिर अर्ली मॉर्निंग विल राइड इट, एंड आपको ये वीडियो जो है वो कल मिल जाएगा. तो दैट्स हाउ यू नो इट विल वर्क. Thank you so much. Till that, ta-da, bye-bye, see ya, and have a best day ahead.